तो चलिए उस आज के जो पाइथन एग्ज़ाम के पेपर हुए हैं, ठीक है, 20 अगस्त के, उसके जो क्वेश्चन हमारे पास प्राप्त हुए हैं बच्चों के माध्यम से व्हाट्सएप पे और कमेंट के माध्यम से, तो उन सभी बच्चों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो इस प्रकार के कठिन क्वेश्चन जो हैं इस बार वो लेकर आए हैं। और क्वेश्चन कल के जो क्वेश्चन आपको बताए गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है एचपी स्टेट के यानी कि हिमाचल प्रदेश के स्टेट के एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहे हैं, तो और सभी स्टेट के हो रहे हैं। और कल कुछ 150 बच्चों का इलाहाबाद से कहीं से कमेंट आया है कि उनके बच्चों के एग्ज़ाम जो है नहीं कराए गए, तो उसके लिए आप लोग नाइलेट के मेल या उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको वहाँ पे कंप्लेन करनी है। तो आज का जो एमसीक्यू है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा जो भी क्वेश्चंस प्राप्त हुए हैं। और सभी प्रकार के एमसीक्यूज़ को तैयार करने के लिए यहाँ पे सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, M3, R5 की, M2 की, M1 की, ठीक है। और इधर चले जाएंगे तो यहाँ पे आपको M4 की भी मिल जाएगी, ठीक है। तो और कंप्लीट जो है PDF सेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके ओ लेवल एमसीक्यूज़ के लिए, जिस भी मॉड्यूल का चाहिए। पाइथन की कंप्लीट PDF नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको परचेज़ करके तैयारी कर सकते हैं। अभी आपके लिए ऑफ़र है सिर्फ 150 रुपीज़ में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के जो MCQ सेट आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं। और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग अपने क्वेश्चन की तैयारी कर सकें और क्वेश्चन का टाइप समझ सकें। तो देखिए सेम क्वेश्चन इसमें पहला जो पूछा गया है वो कल भी आपका जो है यहाँ पे पूछा गया था, यानी कि नम पाई का फुल फॉर्म जो है फिर से यहाँ पे आज की डेट में पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म हूबहू आपको मैं बता रहा हूँ। सेट देखिए रिपीट होंगे क्वेश्चन, क्योंकि ऊपर नीचे हो सकता है नायलट आपके पेपर सेट रख रहा हो, लेकिन कम से कम उन्होंने 3 से 4 सेट्स जो हैं बना के रखे हुए हैं और क्वेश्चन चेंज होते हैं और सीक्वेंस भी उनके चेंज होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है 3 से 4 सेट हो या 4 से 8 सेट भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ईजी होता है क्वेश्चन को सेटअप करना। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा आपका न्यूमेरिकल पाइथन आपका हो जाएगा, ठीक है। कल भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ यानी कि पाइथन का आपका जो है सेम क्वेश्चन यहाँ पे फिर पूछा गया, लेकिन ऑप्शन देखिए चेंज कर दिया गया। कल यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव था या नन ऑफ द अबव था मेरे अनुमान से, अब इसमें यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा .py, ठीक है। कल जो है उसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आज इन्होंने ऑप्शन चेंज किया है और .py कर दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए चेंज होता रहता है क्वेश्चन का पैटर्न। ईजी क्वेश्चन भी है, मिक्सअप क्वेश्चन है। तो पाइथन का जो फाइल एक्सटेंशन है वो .py होता है, ठीक है। तो ए वाला जो है इसमें ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन इसमें मैंने अपने हिसाब से सेट किए हैं जिससे कि खाली आंसर आंसर ना मिले, आपको ऑप्शन भी दिखाई दें जिससे कि आपकी तैयारी भी हो सके। तो आपके लिए मेहनत तो की जा रही है, तो आपको भी फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा लाइक शेयर ज़रूर करते रहें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए आउटपुट पूछा गया है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। तो बच्चों ने भेजा है, इसको मैंने टाइप करके अच्छे से बना के आपके लिए यहाँ पे तैयार किया है। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है डेफ और लिखा हुआ है रैम फंक्शन, ठीक है। एक वेरिएबल क्रिएट किया गया, बेसिकली कोई फंक्शन नहीं है रैम, ठीक है। और ए कॉमा डी और रिटर्न कर रहा है ए परसेंटेज भी, ठीक है। और प्रिंट रैम 3,4। तो जब इसमें डिविजिबल करेंगे आप, ये देखिए परसेंटेज में इस प्रकार से, बेसिकली परसेंटेज नहीं है आपका, पाइथन का ही वेरिएबल है आपका, ठीक है। डेटा टाइप जो वगैरह हम पढ़ते हैं जिसमें कि हमारे पास प्लस माइनस, ठीक है, ट्रंकेशन डिवीजन और तमाम सारे जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, तो उसमें जब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन या आपका डिवीजन परसेंटेज में डिवीजन करेंगे तो इसमें जो ऑप्शन आएगा 3 आएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई फ्लॉट वैल्यू में तो आएगा नहीं वैल्यू, ठीक है, इसलिए 3 आएगा। दशमलव में कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे दी गई है या कोई रिमाइंडर भी नहीं, एरर वाले मत टिक करिएगा, ठीक है। 3 इसमें जो ऑप्शन है इसका आएगा, आप इसको रन करके भी देख सकते हैं। जो रन करने वाले होंगे वो मैं इसमें आउटपुट करके आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो मेरे मान से इसको रन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो मैं इसको रन करके आपको दिखा दूँ, ठीक है। देखिए 3 आपको आउटपुट यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ कॉलिंग अ फंक्शन। इसमें कौन सा करेक्ट वे है कि जिससे कि हम पहचान सकें ये फंक्शन का जो है फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये मैंने आपको मैराथन जो क्लास कराई थी लास्ट वाली उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा फंक्शन अंडर स्कोर नेम, ठीक है। बाकी देखिए फंक्शन है फिर फंक्शन नेम गलत हो जाएगा, रेड फंक्शन कोई होता नहीं, कॉल फंक्शन नहीं,
फंक्शन और सिप अंडरस्कोर उसका नेम, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसमें बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत सिंपल सा है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, यहाँ लिखा हुआ है वाई इक्वल टू 18, जेड इक्वल टू लेमडा एक्स, और एक्स में वाई का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, उसके बाद प्रिंट जेड 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा है, एक्स में हमारी वैल्यू यहाँ पे कुछ दी नहीं गई है, ठीक है, लेकिन जेड इक्वल टू एक्स और वाई है, तो सिंपल सा है 18 में इसका जो है मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और कुछ नहीं है। बाकी ऑप्शन में अगर आप ढूंढेंगे तो कहीं आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो सिंपल सा एक ही ऑप्शन दिख रहा है जब इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे लैम्डा फंक्शन के साथ, क्योंकि y की वैल्यू आपकी 18 दी हुई है, ठीक है, और x और इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3 z की, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा 54 आ जाएगा आपका, ठीक है, तो 54 इसका आएगा मल्टीप्लीकेशन करके देख लीजिएगा, मैं इसमें लिखूँगा नहीं, सेम आपका ऑप्शन आउटपुट आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चों ने खाली इसके ऑप्शन नहीं भेजे हैं, ऑप्शन मैंने इसको रन करा के आउटपुट निकाल के ऑप्शन अपने आप से बना के तब आपके लिए यहाँ पे PDF एक तैयार की है। तो सपोज दैट लिस्ट यहाँ पे दी गई है 3, 4, 5, 20, 5, 25, 1, ठीक है, और व्हाट इज़ द लिस्ट वन आफ्टर लिस्ट वन पॉप। तो इसमें जो है बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है और लिस्ट वन डॉट पॉप, और यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दी गई है 1, ठीक है, तो देखिए कैसे ये आउटपुट होगा, लिस्ट वन इक्वल टू ये हो गया हमारा, ठीक है, और लिस्ट वन डॉट पी ओ पी हमने लिख दिया मान लीजिए 6, ठीक है, यहाँ पे 6 हमने दिया है इसमें आउटपुट में दिया है क्वेश्चन में आपके, तो प्रिंट लिस्ट वन आपका आउटपुट जो है वो क्या देगा। मेरे मान से अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 6 नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि ऑप्शन अलग हो, इसमें हो सकता है टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गई। फिलहाल अगर इसके अनुसार ही मैं आपको दिखा दूँ इसका, देखिए आउटपुट क्या आएगा, मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, और इसको ले चलते हैं यहाँ पे, पहले इसका ही आउटपुट आपको दिखा देते हैं फिर समझा देंगे। लिस्ट ये हो गई हमारी, लिस्ट वन को यहाँ पे ले आया, प्रिंट कर लिया, ठीक है, तो देखिए इसका जो आउटपुट आएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है, अब देख लिए क्यों आएगा, 3, 4, 5, ठीक है, और उसके बाद 20, उसके बाद 42 और 25 और देखिए 33, और यहाँ पे 1 था जो है वो स्किप हो गया। स्किप क्यों हो गया, क्योंकि इसके अनुसार अगर देखें तो पॉप यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, अगर इंडेक्स नंबर देखें तो ये हो गया 0, ये 1, 2, 3, 4, 5 और देखिए 6, पॉप 6 यानी कि इंडेक्स नंबर 6 की जो वैल्यू है वो इसको स्किप कर देगा लिस्ट में से, ठीक है, और प्रिंट कर देगा लिस्ट, तो इसके अनुसार आउटपुट हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। और ऑप्शन में हमने जो लिखा है वो शायद मेरे मान से ये नहीं दिया हुआ है, शायद दिया भी हो 3, 4, नहीं नहीं ये नहीं दिया है, हाँ, तो यहाँ पे 6 की जगह 1 कर लीजिएगा, तो और ये वाली वैल्यू को हटा के आप ये वाली वैल्यू कर लीजिएगा, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिए मैं यही करके दिखा देता हूँ सिंपल सा। अगर इसके इसको आप इस समय हटा दीजिए, ठीक है, ये मिस्टेक हो गया है प्रिंट टाइप करने में, इसको हटा देते हैं। अब इसको अगर इसके अनुसार देखें तो पॉप 1 है, ठीक है, तो ये 0 और 1, तो 4 हट जाएगा, देखिए 3, 5, 20 ये पूरा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा। इसको आप लोग मिस्टेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ये 42 मैंने लिख दिया है, इसको ये मिस प्रिंट हो गया होगा और यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, तो इसके अनुसार आउटपुट आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड वेरिएबल नेम इन पाइथन, इसमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नहीं है। तो आपको पहले पता है वेरिएबल के पहले नंबर्स वगैरह नहीं आते हैं, तो ये वाला ऑप्शन है जो कि वैलिड नहीं होगा, बाकी जो है आपके ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा 6 वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डेटा इज द ऑब्जेक्ट बिलो, एल दिया हुआ है इक्वल टू और 1, 2, 3 लिखा हुआ है, हेलो कॉमा 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये किस प्रकार का डेटा है आपका, डिक्शनरी है, एरे है, या लिस्ट है, या फिर टपल है। तो जैसा कि आपको पता है इसको अगर देखें, अगर हम ब्रैकेट वाइज देखें तो ब्रैकेट के अनुसार ये आपकी लिस्ट का ही सिंबल है, ठीक है, ये जो ब्रैकेट है ये लिस्ट का है, ठीक है, टपल का आपका ये होता है, और डिक्शनरी और सेट्स का आपका ये होता है, ठीक है, इस प्रकार से चलता है।
तो इसके अनुसार ये हो जाएगा आपका लिस्ट, ठीक है, कोई इसमें आउटपुट तो निकालना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन पाइथन 3, पाइथन यानी कि वर्जन 3 जो हम लोग यूज़ करते हैं इस समय, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ टाइप रेंज 5, ठीक है, टाइप रेंज 5 इसमें क्या हो जाएगा आपका, रेंज हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, इंटीजर नहीं होगा और लिस्ट भी नहीं है आपकी ये, तो क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी, ठीक है, रेंज 5 लिखा हुआ है। इसके पहले अगर कुछ लिखा होता लिस्ट 1 तो वगैरह लिस्ट या कुछ हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे रेंज और लिखा हुआ 5, तो 5 रेंज को ही दर्शा रहा है, तो यहाँ पे रेंज ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ कोर डेटा टाइप, इसमें से कौन सा है जो कोर डेटा टाइप नहीं होता है, तो क्लास ऑब्जेक्ट जो होता है आपका या क्लास मेथड कह सकते हैं, ये आपका कोर डेटा टाइप्स में नहीं आता है, बाकी आपके जो हैं लिस्ट टपल्स ये आपके कोर में आप कह सकते हैं, या फिर इम्यूटेबल या म्यूटेबल डेटा के अंतर्गत आते हैं आपके ये, फिलहाल क्लास जो है इसमें से वो कोर डेटा टाइप में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवर्ड इन पाइथन आर केस सेंसिटिव, यानी कि पाइथन के जो कीवर्ड होते हैं क्या वो केस सेंसिटिव होते हैं कि नहीं, तो देखिए ऑप्शन इस बार घुमा दिए गए, इसमें लिख दिया गया यस नो या फिर बोथ, अब बहुत से बच्चे बोथ वाला भी टिक कर सकते हैं कि होते भी हैं नहीं भी होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस लगा सकते हैं। तो देखिए पाइथन के कीवर्ड आपके केस सेंसिटिव होते हैं जैसा कि आपको बताया गया है, तो यस इसमें आपको लगाना है, या ट्रू दिया हो तो ट्रू लगाएं, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द पाइथन प्रोग्राम, इसका आउटपुट आपको बताना है, तो ये तो काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है, इसको हम यहीं पे इसको रन करा लेते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से हम लिखते हैं प्रिंट और ब्रैकेट में लिखते हैं 14, ठीक है, और इसमें करते हैं आउटपुट, तो देखिए 4 हमारा आ जाएगा, ठीक है, क्या हो गया इसका आउटपुट, 4 हमारा आ जाएगा, डिवीजन करेंगे तब इसका तो 4 आएगा, ना कि 4.0, फ्लॉट वैल्यू तो है नहीं ये, ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा 4 वाला सही। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में पूछ लिया गया, प्रिंट माइनस का पूछ लिया गया, ठीक है, तो माइनस जब होगा तब यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, तो सेम क्वेश्चन है, मैं इसको ही यहीं पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे करते हैं 18, यहाँ माइनस करके कर लेते हैं 4, ठीक है, इसका आ जाएगा देखिए -5, क्या आ जाएगा माइनस के 5, माइनस में वैल्यू दी गई इसलिए माइनस में ही आउटपुट होगा, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस के 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी की म्यूटेबल मस्ट बी इम्यूटेबल, क्या डिक्शनरी की होती है वो आपकी इम्यूटेबल होती है या म्यूटेबल होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, अब इसमें इम्यूटेबल भी दे दिया ऑप्शन, म्यूटेबल भी दे दिया और बोथ भी दे दिया, ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज भी दे दिया, तो डिक्शनरी आपको पता है वो इम्यूटेबल होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, ठीक है, डिक्शनरी आपकी क्या होती है, इम्यूटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, व्हेन रीडिंग अ फाइल यूजिंग द फाइल ऑब्जेक्ट व्हाट मेथड इज बेस्ट फॉर रीडिंग द एंटायर फाइल इनटू अ सिंगल स्ट्रिंग, तो जब कोई सिंगल स्ट्रिंग में किसी डेटा को रीड कर रहे हैं तो कौन सा यहाँ पे सिंटैक्स यूज़ करते हैं, रीड फंक्शन, कौन सा फंक्शन होता है, स्ट्रिंग यूज होती है रीड की, कल भी पूछा गया था लेकिन उसमें जो लैंग्वेज थी वो अलग थी, इस बार इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज को लेंथी कर दिया गया और स्ट्रिंग सिंगल स्ट्रिंग वर्ड को ऐड कर दिया गया, ठीक, तो रीड ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया काफ़ी बार, टू ओपन अ फाइल सी ड्राइव में कोई abc.txt फाइल रखी, उसको हमको रीड करना है, तो कैसे उसको रीड करेंगे, तो देखिए सिंपल सा ही ये कोड है और इसका स्पेसिकली पैथ आपको बताना है, ठीक है, अब पहला वाला ऑप्शन देखिए, इन फाइल ओपन सी, और सी के बाद देखिए इसमें जो है फाइल का कहीं दर्शाया नहीं गया कि फ़ाइल कहाँ से ली जा रही है, ठीक है, और इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा जो कि पैथ का लोकेशन होता है आपके ड्राइव का, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड वाला ऑप्शन क्यों सही होगा, इन लाइफ इन फाइल इक्वल टू, देखिए लिखा हुआ है ओपन किया सी ड्राइव में, और देखिए यहाँ पे डबल बैकवर्ड स्लैश लगा हुआ है abc.txt और आर यानी कि हमको रीड करना है इस फाइल को, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसमें भी देखिए सिंगल इन सिंगल बैक स्लैश लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी इसमें डबल लगा हुआ है, ठीक है, सभी में कुछ ना कुछ एरर्स आपको देखने को मिल रही हैं जिस कारण से ये जो है प्रिंट नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन जो है खाली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन है और सिंपल भी है,
व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, लिखा हुआ है टपल इक्वल टू हेलो लिख दिया है और मल्टीप्लिकेशन तीन कर दिया है, तो तीन बार आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा। टपल की वैल्यू है, प्रिंट कर देगा टपल को हेलो 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 तीन बार, ये तो ऑप्शन बन जाएगा हेलो हेलो हेलो। ठीक है, अब थ्री हेलो नहीं प्रिंट कर देगा ये, ठीक है तीन बार ये हेलो हेलो प्रिंट होगा, आप चाहें इसको रन करा कर देख सकते हैं, तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए काफ़ी बच्चों ने मेहनत की है, ये क्वेश्चन मेरे को भेजे हैं किसी तरह से उन्होंने लिख के या कैसे भी करके, तो मैं आपको ये सॉल्व करवा पा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ आई इक्वल टू जीरो दिया है, वाई आई इज़ ग्रेटर देन सिक्स, ठीक है उसके बाद आई प्लस इक्वल टू थ्री, इफ़ आई डबल इक्वल टू थ्री है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, तो एक से लेके छः तक की वैल्यू प्रिंट होनी है, छः से छोटी जो वैल्यू है वो आपके छः तक की वैल्यू प्रिंट होनी है। ठीक है, तो जब सिंपल सा है एक प्लस दो, फिर दो प्लस एक तीन, इस प्रकार से एक दो इस प्रकार से प्रिंट होती जाएगी, लेकिन जब आई की वैल्यू बराबर तीन की आएगी तो तीन को वो स्किप कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देगा, तो फोर प्रिंट हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, सिक्स प्रिंट हो जाएगा, तीन नहीं प्रिंट होगा क्योंकि तीन को यहाँ पर स्किप कर। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा एक दो चार पाँच छः, इस प्रकार से प्रिंट हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नंपाई का क्वेश्चन आ गया, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट लिखा हुआ है नंपाई एस एन पी, ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे एक दो तीन और प्रिंट ए, तो ए प्रिंट हो जाएगा, यही प्रिंट हो जाएगा आपका। ये मैंने आपको शायद कल वाले क्वेश्चन में कराया था, सिंपल क्वेश्चन आया, सिर्फ सिंपल सा एरे को प्रिंट करना है, तो प्रिंट ए यही तो आपकी वैल्यू दी गई है, इसमें कोई कंडीशन तो पूछी नहीं गई है, तो ए वन टू थ्री प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डबल ब्रैकेट वाला नहीं प्रिंट होगा, जैसे कि यहाँ डबल ब्रैकेट लगा हुआ ये वाला प्रिंट होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसमें नंपाई का, इम्पोर्ट नंपाई एज एन पी और ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और यहाँ पे दो एरे दी गई हैं और एन डिम, ठीक है कितने आपके डायमेंशन बनेंगे, तो एक डायमेंशन ये बनेगा, दूसरा डायमेंशन ये बनेगा, तो दो ऑप्शन बन जाएगा, दो ही तो इसमें आपके डायमेंशन है, इसमें टू डी एरे है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग अ सेट, जब हम सेट को क्रिएट करते हैं तो उसका जो करेक्ट सिंटेक्स नहीं, कौन सा सही नहीं। अब देखिए सेट है कोई, तो सेट में कभी भी जो है इस प्रकार से टू डी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, ये सारी वैल्यू किस में आती है, लिस्ट के अंतर्गत आती है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन जो इसलिए नहीं गलत है क्योंकि इसमें देखिए वैल्यू लिस्ट के रूप में दी गई है, एक ये यहाँ पे दी गई है, एक ब्रैकेट में ये, बाकी देखिए सेट सही है, सिंगल इन्वर्टेड में वैल्यू दी गई है, तो कौन सी नहीं है आपको बताना, तो ए वाली नहीं होगी, बाकी ऑप्शन ठीक है आपके। नेक्स्ट नम पाई आर एरे कैन बी, तो नम पाई एरे आपके इंडेक्स्ड भी हो सकते हैं, स्लाइस्ड और इटरेटेड भी हो सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा नेक्स्ट मॉड्यूल्स में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इंपोर्ट नंपाई एज एन पी एरे एन पी डॉट एरे, ठीक है यहाँ पे एक एरे ये दी गई, दूसरी एरे ये दी गई है, और एरे का शेप आपको बताना है, तो शेप आप कैसे निकालेंगे, सिंपल सा है, देखिए एक आपका एरे ये हो गया, दूसरा एरे ये हो गया। ठीक है, अगर इसको हम इसी प्रकार से लिखेंगे वन कॉमा टू, ठीक है, और थ्री कॉमा फोर, या इस पर चार बेसिकली आपका ये बनेगा, ठीक है फाइव कॉमा छः और सात कॉमा आठ, तो चार आपके ये बन जाएंगे, एक दो तीन चार, ठीक है अगर इसको नीचे नीचे लेके आएंगे तो एक ये आपका हो गया, दूसरा एरे ये हो गया, तीसरा और चौथा, ठीक है तो चार आपके इसमें जो है सेप बनेंगे। ठीक है, दो कॉमा चार, दो कॉमा चार के सेप में ये सेप आपके बनेंगे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दो कॉमा चार वाला। ठीक है, इसी में अगर इसको और इसको आप मिटा देंगे तो आपका जो सेप आएगा, दो तो आपके बनेंगे तो दो कॉमा तीन का सेप आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसको भी आप मिटा देंगे तो दो कॉमा दो का सेप आ जाएगा, इस प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला, सेप आपको बताना है एरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है नंपाई का ये भी, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इम्पोर्ट नंपाई एज एन पी और एरे लिखी गई है यहाँ पे एक दो तीन पाँच आठ, ठीक है, और एरे एरे प्लस वन और प्रिंट कर रहा है एरे नंबर फोर, यानी कि फोर नंबर की जो इंडेक्स वैल्यू है ये हो गई आपकी जीरो, ये हो गई वन टू
थ्री फोर, फोर नंबर पे कौन सी वैल्यू है, एट है, तो एट और एरे में प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन इक्वल टू नाइन, और इसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए नाइन इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। इंडेक्स नंबर एट पे कौन सी, फोर पे कौन सी वैल्यू है, फोर है और एट है सॉरी, और एरे में जोड़ देना है एक आपको, ठीक है, तो नाइन आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे मन से लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन हमको मिला है, इसके अलावा नहीं प्राप्त हुए हैं। इसमें देखिए पूछा गया है व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इम्पोर्ट नंपाई एज एन पी, ए इक्वल टू एन पी डॉट एरे, और एरे में दिया गया है 11, 21, 31, 41, ठीक है, ये एरे दी गई दो। बी इक्वल टू टू लिस्ट, और प्रिंट करना है ए और बी को, तो जब ए को प्रिंट करेंगे तो ए की एरे आपकी आ जाएगी 11, 21, ठीक है, और दूसरी क्या आ जाएगी, बी की एरे आ जाएगी 31, 41, ठीक है। उसके बाद ये तो आपकी लिस्ट हो गई, उसके बाद जो है दोनों एक साथ भी प्रिंट होंगे, एक एक ये ऊपर नीचे प्रिंट होंगे, और एक बार जो है दोनों एक साथ में प्रिंट होंगे, ठीक है, 21, 31, और ये वाली इसके नीचे प्रिंट होगा, तो ये देखिए इसके नीचे प्रिंट हुआ ए बी और एक साथ ए बी, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन बन जाएगा, इसका ए वाला ऑप्शन बनेगा। बाकी में देखिए ऑप्शन में बी की वैल्यू किसी में प्रिंट हुई है, किसी में ए की वैल्यू प्रिंट हुई है, इसलिए ए वाला जो ऑप्शन है वो सही बन जाएगा। इस प्रकार से आपकी ए की लिस्ट आपकी प्रिंट होकर आएगी, हूबहू प्रिंट हो जाएगा दोनों ए और बी दोनों, ठीक है। अगर सिंपल सा इसमें ए खाली ए प्रिंट करने को बोला होता तो खाली ए की वैल्यू प्रिंट हो जाती, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं 20 अगस्त के पेपर में ऑल इंडिया बेस पे अलग अलग स्टेट में, तो अपने क्वेश्चन देख लें, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाने हैं। और मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यानी कि नंपाई चैप्टर आपका, ठीक है, उसके बाद लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सेट, ठीक है, और फंक्शन, और जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट वाला चैप्टर है जो कि रीड लाइंस और इस प्रकार के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो बाकी यहाँ सब अवेलेबल है, बाकी एमसीक्यूज़ में आपको मिल जाएगा, और बस इतने ही में से आपका जो है ईजिली एस ग्रेड बन जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, क्वेश्चन जैसे आपके पास आएँ तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।